मंत्रिमंडल से ग्वालियर चंबल को भी काफी उम्मीद है। बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले इस अंचल के नेताओं को उम्मीदें हैं कि मोहन सरकार में 4 से 5 नेताओं को जगह मिल सकती है। तो ग्वालियर चंबल से किसकी खुलेगी किस्मत, आइए देखते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के। प्रदेश में मोहन सरकार कमान संभाल चुकी है। बीजेपी को भरपूर समर्थन देने वाले ग्वालियर चंबल को भी सरकार में बेहतर भागीदारी की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री की आस लगाए बैठे अंचल को अब मंत्रियों का इंतजार है और इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ग्वालियर चंबल अंचल का मंत्रिमंडल में कितना दबदबा रहेगा, ये विस्तार के बाद ही क्लियर होगा। 23 की जंग में ग्वालियर चंबल ने 34 में से 18 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी हैं। 2018 के मुकाबले भाजपा को दोगुनी से ज्यादा सीट मिली है। क्षेत्र के कई विधायक मंत्रिमंडल की दौड़ में आगे हैं। ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर और नारायण सिंह कुशवाहा, मुरैना से एंदल सिंह कंसाना, भिंड से राकेश शुक्ला, नरेंद्र कुशवाहा और अमरीश शर्मा, शिवपुरी से देवेंद्र कुमार जैन और महेंद्र यादव। बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार और इसमें जगह मिलने को संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के पाले में डाल रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर चंबल संभाग का मंत्रिमंडल में दबदबा रहना चाहिए जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। मंत्रिमंडल में कितना दबदबा किस क्षेत्र का होगा, ये तो हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि वो किस प्रकार से सभी वर्गों को, सभी समाजों को और पार्टी को गति कौन दे सकता है, इस प्रकार के चेहरों की वो तलाश करेंगे। निश्चित रूप से एक अच्छे चेहरे आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों का ठीक से क्रियान्वयन करेंगे। ये कि जितना गतिरोध यहाँ के नेताओं में है, वो नरेंद्र सिंह तोमर हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या अन्य नेता हों, तो उस गतिरोध के चलते और जिस प्रकार का मुझे लगता है कि उनके आला कमान ही कहूँगा या CEO कहूँगा MD कंपनी जो है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का चयन किया है, तो कोई बहुत बड़ी बात ना समझें आप कि इसमें भी आश्चर्यचकित करें वो जनता को। और यदि गुजरात का फॉर्मूला अपना लिया तो आप देख ही रहे हो कि सारे सीनियर लीडर को दरकिनार करने का जो प्रयास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और एक मैनेजर की नियुक्ति के नीचे जो असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति होती है वो भी लगता है कि दिल्ली आलाकमान के हिसाब से वो ही करेंगे। जानकारों को भी उम्मीद है कि सत्ता की चाबी कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल संभाग को बेहतर जगह नई सरकार में मिलेगी। देखिए, निश्चित तौर से ग्वालियर चंबल का अहम योगदान इस लैंडस्लाइड विक्ट्री में, भाजपा की लैंडस्लाइड विक्ट्री में है। हमारे यहाँ से डबल से भी ज़्यादा सीट्स भाजपा जीत के आई है, तो निश्चित तौर से मंत्री जो पूरी सरकार का मंत्री परिषद का जो चेहरा होगा उसमें भी यहाँ के लोगों को अच्छी तवज्जो मिलने वाली है। मैं करीब 5 लोगों को ऐसा देखता हूं जिनको यहां से मंत्री पद मिल सकता है। जनादेश के बाद मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बागडोर संभाल चुकी है। अब सवाल यही है कि क्या ग्वालियर चंबल अंचल को उम्मीद के मुताबिक कैबिनेट में जगह मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। बीजेपी में जहां मंत्रिमंडल को लेकर सुगबुगाहट है, तो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। अब देखना होगा कि दिल्ली से किसके नाम पर मुहर लगती है। मध्य प्रदेश में एक तरफ बम्पर जीत के बाद बीजेपी सरकार एक्शन में है, तो कांग्रेस भी विपक्ष के तौर पर मजबूत भूमिका की कवायद में जुट गई है। सरकार को सदन में घेरने और जनता के मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई। नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए सभी विधायक भोपाल पहुंचे। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र भवर सिंह ने बैठक ली। एक लाइन के प्रस्ताव में वरिष्ठ विधायक राम निवास रावत ने नाम का फैसला हाईकमान पर छोड़ा। माननीय जितेंद्र सिंह जी विशेष पर्यवेक्षक हैं AICC के, पहली विधायक दल की बैठक के लिए हम आए, सब साथियों से मंत्रणा करेंगे। विपक्ष के चेहरे के तौर पर कांग्रेस को ऐसे चेहरे की तलाश है जो जातिगत समीकरण में भी फिट बैठे, लेकिन कई दिग्गजों की हार के बाद कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की कमी है, जिसके चलते पार्टी किसी नए चेहरे को ढूंढ रही है।
इधर बीजेपी कांग्रेस के इस मसले पर चुटकी लेती नजर आ रही है। देखिए कांग्रेस में जो तय होता है वो गांधी परिवार के 10 जनपद से निकले हुए घरों से तय होता है, तो इसलिए ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, होना तो यही था। इसलिए कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो वही ये चरितार्थ होती है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कई दिग्गज उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ तो दिल्ली दरबार में हाजिरी भी लगा चुके हैं। अब दिल्ली दरबार की पसंद कौन बनता है और सरकार के तेवर के सामने किस अंदाज में नजर आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। भोपाल से बंसल न्यूज के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।